हेलो मित्रों, नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। और हम भगवान से विनती भी करते हैं कि आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, आपको सद्बुद्धि दे भगवान, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को देखें, पढ़ें और परीक्षा दें जिसमें आपका निकले और आप अच्छे से समाज की सेवा कर सकें। तो जैसा कि मित्र आप लोग सभी लोग आ जाइए, अब आज हम क्लास लेने जा रहे हैं, तो आप सभी मित्र ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए हमारे YouTube चैनल यूथ सक्सेस प्रयागराज में, जो आपको निःशुल्क दिया जा रहा है। मित्र बस आप लोग से बस इतना लिया जा रहा है कि आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि जो संख्या को थोड़ा बढ़ाइए मित्र, संख्या बहुत कम होती, मज़ा नहीं आता, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाइए मित्र। और हम इतिहास का जो पार्ट GS का पार्ट है उसी को हम सारा पढ़ा रहे हैं। ये जितने भी वनडे एग्जाम, कोई भी एग्ज़ाम लगभग हो जिसमें इतिहास के प्रश्न पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे और एक भी क्वेश्चन यहीं बाहर से नहीं आया। हम आपको बहुत डिटेल बता रहे हैं ताकि आप, क्योंकि परीक्षाओं का पैटर्न को बदलते हुए देखते हुए, परीक्षा का पैटर्न का जो ट्रेंड है वो बदल रहा है, तो अब जो पहले की जो एक वन लाइनर क्वेश्चन थे वो तो मतलब नहीं पूछे जाते हैं, अब जो है अंदर से थोड़ा पूछे जाते हैं, तो उसका इसीलिए मैं आपको बहुत विस्तृत बताता हूँ ताकि आपका कोई एक भी क्वेश्चन कहीं से छूटे ना। तो जैसा कि मित्र हम पिछली क्लास में आपको ऋग वैदिक काल की राजनीतिक जीवन के बारे में बताया था, आज मैं ऋग वैदिक काल का जो है धार्मिक जीवन बताऊँगा कि यहाँ के लोग किस देवता की पूजा करते थे, किस देवी का पूजा करते थे, कैसे कौन कौन देवता इनके प्रमुख थे, किस देवता का उल्लेख कहाँ कितनी बार है, तो वो चीज़ों को आज हम आपको बताएंगे। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में ये सारे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं और जितना पीछे भी पढ़ा है वहाँ से भी पूछे जाते हैं। बस आज ये ऋग्वेद का धार्मिक जीवन के बाद अंतिम है क्लास, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में हम लोग जाएंगे। उत्तर वैदिक काल में जो ये ऋग वैदिक काल दो भागों में बटा था वो आपको पता है, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को हमने आपको बता ही दिया है, अब उत्तर वैदिक काल के बारे में जो है आज के बाद अगली क्लास में उत्तर वैदिक जो सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, बहुत सारे परिवर्तन हो गए थे, तो उन सब चीज़ों को हम आपको बताएंगे। तो आज हम देखते हैं ऋग्वेद काल के जो धार्मिक जीवन में थे, जो इनके देवता थे, प्रमुख देवता कौन थे, देवताओं का काम क्या था, इन देवताओं को क्या कहा जाता था। तो आइए मित्र हम लोग देखते हैं, और आप लोग एक कापी और पेन लेके बैठा करिए, जब भी क्लास लिया देखा करिए, तो आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाए। कुछ चीज़ें मैं ये वाइट बोर्ड पर नहीं लिखता हूँ तो वो आप बोलता हूँ तो आप उसको नोट कर लिया करिए। तो ठीक है मित्र, आप आइए देखते हैं। जैसा कि हमें आर्यों के बारे में पता है, आर्य जो थे ये जैसे नहीं होता बंजारे टाइप के, कबायली टाइप के लोग थे, तो इनके जो, तो इन्होंने जो, इनका स्थायी जीवन भी नहीं था, जैसा कि हमने आपको बताया है इनका जीवन अस्थायी नहीं होता था, कि कबायली जीवन व्यतीत करते थे, प्रकृति में रहते थे, प्रकृति के, तब तो प्रकृति में रहने के कारण इनके जो देवी देवता हैं सब प्रकृति से संबंधित देवी देवता हैं, इन्होंने अपने प्रकृति के संबंधित जितने भी चीज़ें थे उन्हीं को अपने देवी और देवता मान लिया। तो हम बारी बारी इनके कौन कौन से देवता क्या थे, किनका काम क्या था, वो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। देखिए आइए देखते हैं, जैसा कि लिखा है कि ऋग्वैदिक काल की धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन में ऋग्वैदिक काल का जो जीवन था वो कबायली था मित्र, कबायली, और इनके जो देवता होते थे ये प्रकृति शक्तियों से प्रतीक माने जाते हैं, जो प्राकृतिक शक्तियाँ थीं उसी के प्रतीक इन्होंने अपने देवता को माना था। और यास्कराचार हैं, मतलब महर्षि यास्कराचार हैं, जो ऋग्वेद में देवताओं की संख्या इन्होंने 33 बताया है। ऋग्वेद में यास्कराचार महोदय ने ऋग्वेद के देवताओं की संख्या 33 बताया है, और इन 33 देवताओं को अलग अलग में विभाजन भी इन्होंने किया है, जिसे आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता, तीन भागों में विभाजित किया है।
तो जैसे आकाश के देवता में जो हमें सबसे प्रमुख, हमने बहुत सारे देवता हैं लेकिन जो प्रमुख प्रमुख देवता उन्हीं को बताया है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिसकी संभावना भी आ गई, उन्हीं देवताओं के बारे में बताया। जैसे सूर्य, उषा, सविता, अदिति, ये सारे देव, ये देवियां हैं, ये देवता, मतलब ये सब देवता जो है ये आकाश के देवता हैं। और अंतरिक्ष के देवता जो मित्र थे ये इंद्र थे, मारुत थे, वरुण थे और मित्र थे, ये जो थे अंतरिक्ष के देवता थे। और जो पृथ्वी के देवता थे उनमें सबसे पहले पृथ्वी थी, नदी, पहाड़, अग्नि, सोम, जंगल, ये सारी चीज़ें जो है पृथ्वी के देवता थे। और इनके ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख जो देवता है वो सबसे प्रमुख तीन देवता हैं, इंद्र, अग्नि और वरुण, ये सबसे प्रमुख इनके देवता हुआ करते थे ऋग्वेद काल में। तो हम इंद्र के बारे में आइए देखते हैं। जैसे इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में, हमें कई बार ये परीक्षा में पूछा गया कि इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है और ऋग्वेद इनको क्या कहा जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई। जिससे ऋग्वेद में जो इनका इंद्र के बारे में इंद्र का उल्लेख है तो वो 250 बार है, 250 बार इंद्र का उल्लेख है ऋग्वेद में मित्र। और ऋग्वेद जो इनके ऋग्वेद कालीन जो थे उनकी प्रमुख, सबसे प्रमुख देवता ये माना जाता था, इनको पुरंदर कहा जाता। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंद्र को जो पुरंदर कहा जाता है, इंद्र को क्या कहा जाता है, ऑप्शन दे देता है, पुरंदर कहा जाता है, वर्षा का देवता, ऐसे तमाम ऑप्शन दे देगा, तो ये पुरंदर के देवता इनको कहा जाता था। और पुरंदर का जो अर्थ होता है ये किलों को तोड़ने वाला कहा जाता है, तो ये इंद्र के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ ये पुरंदर शब्द है। और इनको युद्ध का भी देवता कहा जाता था, वर्षा का भी देवता कहा जाता था और झंझावात का भी देवता कहा जाता था इंद्र को जो है। यही सारी चीज़ें जो परीक्षाओं में पूछी जाती मित्र, तो यही चीज़ें हैं, जैसे पुरंदर कहा जाता था, युद्ध के देवता भी कहा जाता था, वर्षा का देवता इनको कहा जाता था और झंझावात का भी देवता कहा जाता था। और ये जो इंद्र थे उस समय एक पेय पदार्थ ऋग्वेद काल में होता था, सोम रस होता था। सोम रस को ये लोग जो आर्य लोग थे उसको अमृत के समान समझते थे, तो जो उनके लिए प्रमुख था तो उनके देवताओं के लिए भी प्रमुख था मित्र। तो ये जो सोम रस था ये सब अत्यधिक पान करने के कारण इनको सोमापा भी कहा गया है। तो जैसे आपको आएगा कभी परीक्षा में कि इंद्र के बारे में क्या क्या शब्द है, तो ये आप 4-5 शब्द याद कर लीजिए और देख लीजिए, लिख लीजिए। एक तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ, दूसरा इन्हें युद्ध का भी देवता कहा जाता है, तीसरा इन्हें वर्षा का भी देवता कहा जाता है और चौथा इन्हें झंझावात का देवता भी कहा जाता है। और जो अत्यधिक सोमापा भी, सोमापा शब्द जो मिलेगा, सोमापा भी इनको इंद्र के लिए प्रयोग होता था। आइए देखते हैं दूसरे इनके प्रमुख जो देवता थे, अग्नि थे आर्यों के। आर्यों के जो प्रमुख देवता थे वो दूसरे देवता थे वो अग्नि थे। अग्नि का उल्लेख 200-300 बार हुआ है, अग्नि का उल्लेख ऋग्वेद में 300 बार हुआ है। इनके जो ये जो देव अग्नि देवता थे ये देवताओं, और जैसे आज भी हम लोग अग्नि देवताओं को ही पूजा करते, जब हम लोग होम करते हैं उसका यही माध्यम होता है कि जो होम से धुआं निकलेगा वो हमें ऊपर जाके अंतरिक्ष में जो है, आकाश में अंतरिक्ष में जाके किसी हमारे देवता को ये चीज़ें जो है समर्पित करेगा, उससे हमें पुण्य मिलेगी, इसलिए हम लोग होम जो अग्नि कुंड होता है अग्नि कुंड का पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं। वो हमारे मध्यस्थता के काम करते हैं अग्नि देवता, जिससे पृथ्वी और अंतरिक्ष और आकाश मतलब मिला के ये मध्यस्थता के देवता इन्हें कहा जाता है। इसी के माध्यम से जो अग्नि से अग्निकुंड के माध्यम से जो धुआं जाता है, जो भी कुछ सामग्रियां होती हैं हवन सामग्रियां, उसकी जो भी चीज़ जाती है वो अंतरिक्ष के देवता के पास जाती थी, इसलिए अग्नि देवताओं को मध्यस्थता का देवता भी कहा जाता था। ये मानव और देवताओं के बीच मध्यस्थता करते थे। और इनका सबसे बड़ा पुरोहित जो माना जाता था अतिथि माना जाता था, अतिथि को इनको सबसे बड़ा इनको अतिथि माना जाता, इनको सबसे बड़ा पुरोहित भी माना जाता था, अग्नि को सबसे बड़ा पुरोहित भी माना जाता था। कोई भी पूजा पाठ की शुरुआत होती थी अग्नि के ही माध्यम से होती थी।
और अग्नि देवता के लिए कुछ शब्द हैं, वो शब्द हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि इनको जात वेदस कहा गया है, चल अचल का ज्ञाता कहा गया है, और भुवन चशु कहा गया है। भुवन चशु माने आँख होता है, भुवन माने संसार होता है, संसार की आँख कहा गया है, मतलब संसार की ये आँख। जैसे हमें आँख हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए आँख का होना बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार ये अग्नि को भी कहा गया है कि ये हमारे आँख हैं। अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, किसी चीज़ को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो आँख के माध्यम से जैसे करते हैं, तो उसी प्रकार अगर हमें देवताओं के बारे में ज्ञान, तो अग्नि को संसार का आँख भी कहा गया है। और हिरण दंश भी कहा गया है, सुनहले दांतों वाला भी कहा। ये सारे शब्द आए हुए हैं कि ऐसे शब्द दे देगा कि ये भुवन चशु शब्द किस किस देवता के लिए प्रयोग था, तो आप बताएंगे अग्नि। आ गया आपका हिरण दंश किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो आप बताएंगे अग्नि देवता के लिए। और इनको सुनहले था, कभी कभी अर्थ पूछ ले, जैसे पुरंदर का तो कई बार पूछा है, पुरंदर का मतलब क्या होता है, इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, जैसे यही पूछ ले किलो को तोड़ने वाला कौन सा देवता होता था, तो आपको पता है कि पुरंदर जो है वो इंद्र के लिए प्रयोग। उसी प्रकार यहाँ अग्नि के लिए जो है ये सारे शब्द प्रयोग किए गए हैं। जैसे हिरण दंश जो सुनहले दांत वाला, और पथकृत का मतलब मार्ग का निर्माता, जिसे हमें किसी अच्छे मार्ग पर ले जाने का काम जो है अग्नि देवता जो मार्ग का निर्माता करते हैं। हमें देवता और मानव के बीच जो संबंध मतलब मिल वो होता था, समन्वय जो होता था, उसका करने का काम यही अग्नि देवता का है, इसीलिए इनको मार्ग का निर्माता भी कहा गया। और इनके तीसरे प्रमुख देवता जो है वरुण है, इनका उल्लेख ऋग्वेद में 30 बार है मित्र। और इनको जो है जल के देवता के रूप में कहा जाना जाता है, जो वरुण को जल के देवता के रूप में जाना जाता है। और इन ये जो देवता होते थे, ये पापियों के पाप को से मुक्ति दिलाते थे। इनकी पूजा जो लोग करते थे, इनको माना जाता है, जैसे कहा जाता है कि आर्यों के जो पापियों जैसे पापियों के पाप को से ये वरुण देवता उनको मुक्ति दिलाते थे। और ये नैतिक नियामक थे, नैतिक नियमों का जो पालन वालन होता था उसी के प्रकार ये थे। इनके लिए एक शब्द इम्पॉर्टेंट है, ये रितस गोपा शब्द का प्रयोग होता है। ये रितस गोपा शब्द का प्रयोग कई बार ये परीक्षा पूछा गया है कि रितस गोपा शब्द किस देवता के ऋग्वैदिक काल किस देवता के लिए प्रयोग हुआ था, तो आपको आज पता ही चल गया, और पहले से लोगों को पता रहा होगा, तो जिनको नहीं पता था पता चल गया, रितस गोपा जो है वरुण देवता के लिए प्रयोग किया गया है। ये नैतिकता का संरक्षण, इसका अर्थ होता है नैतिकता का जो हमारे नैतिक जीवन जो भी कुछ होते थे उनका जो संरक्षण जो सुरक्षा करते थे, यही वरुण देवता ही करते थे। इनको एक मतलब ईरानी देवता भी मिले हैं, ये इम्पॉर्टेंट ये भी पूछा जाता है, ईरानी देवता आहुर मजदा इनको कहा गया है, मतलब ईरान में भी इनकी पूजा होती थी। जो ईरान में इनको कहा जाता था वरुण देवता को, आहुर मजदा कहा जाता था, तो ये ईरान में भी इनकी पूजा होती थी। इनके लिए जो ईरान के लोग वरुण, जैसे यहाँ आर्यों के लिए वरुण देवता थे, तो वहाँ ईरान वालों के लिए जो थे ईरान में, इनको आहुर मजदा शब्द से प्रयोग किया गया इनके लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट था, आप इसको भी देख लीजिए, ईरान के ईरानी देवता जो है आहुर मजदा भी इन्हें कहा जाता था। और वरुण और मित्र को 1000 स्तंभों वाले भवन में रहने वाला भी कहा गया है, ये शब्द भी पूछा है कई बार। वरुण और मित्र को 1000 सहस्त्र स्तंभों वाला देवता भी कहा जाता है, तो ये रहा वरुण। अब ये वरुण हो गए, अब फिर उसके बाद इनके बस ऋग्वेद के सबसे तीन इम्पॉर्टेंट यही थे, इंद्र, अग्नि और मित्र, वरुण, ये तीन सबसे इम्पॉर्टेंट देवता थे। उसके बाद भी देवता बहुत सारे देवता हैं, तो जो मुख्य हैं ये अश्वनी जो थे, अश्वनी ये चिकित्सक देवता थे। इनको जो है आर्यों का चिकित्सक कहा जाता है, डॉक्टर कहा जाता था। जैसे कोई भी पूजा पाठ होता, जैसे आज के ज़माने में कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं, जैसे श्री गणेशाय नमः से करते हैं, तो गणेश जी की पूजा सबसे पहले किया जाता है, तो उसी प्रकार जो है अश्वनी जो थे इनके चिकित्सक देवता थे। कोई भी बीमार होता था तो लोग जो है अश्वनी का पूजा करते थे,
अश्विनी से मनाते थे, अश्विनी देवता से मनाते थे, उनके सामने विनती करते थे, हे भगवान ठीक कर दो, हे भगवान इनको स्वस्थ कर दो। तो ये जो थे इनके चिकित्सक देवता थे। और इनकी सवारी जो हुआ करती थी अश्विनी की सवारी, तो ये गधा इनकी सवारी थी। ये परीक्षा में भी पूछा गया है कि अश्विनी देवता का सवारी क्या है, गधे पे सवार होकर कौन से देवता आते, इस प्रकार भी पूछा जाता। तो ये अश्विनी देवता थे। और फिर उसके बाद आते हैं पूषण। पूषण देवता जो थे ये वनस्पति और औषधि के देवता थे। जो वनस्पतियाँ होती थी और औषधियाँ होती थी उन सारी चीज़ों के जो देवता थे इनको पूषण कहा जाता था। और ये पशुओं के भी रक्षक देवता माने जाते हैं। पूषण को जो है पशुओं को भी देवता माना जाता था। इनसे ये माना जाता है कि पूषण जो देवता हमारे पशुओं को रक्षा करते हैं। और ऋग्वैदिक काल में जैसा कि आपको पता ही होगा कि उनका सबसे प्रमुख जो संपत्ति थी वो गाय थी, वो पशु ही था, उनकी सबसे प्रमुख संपत्ति यही हुआ करती थी। और बाद में इनको शूद्रों का भी देवता कहा गया। ये इम्पॉर्टेंट है मित्र, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है शूद्रों को देवता। पूछ लेगा कि ऋग्वेद काल में शूद्रों के देवता कौन थे, तो आप तुरंत बताएंगे कि ये पूषण थे शूद्रों को देवता। क्योंकि वहाँ समाज बटा हुआ था, शूद्रों को निम्न कोटि में रखा गया, उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया था ऋग्वेद काल में, ना उन्हें मंत्र का था, सिर्फ सेवा करने का अधिकार था बस, और कोई अधिकार। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि शूद्रों के भी जो देवता होते थे वो भी पूषण होते थे। शूद्रों को पूजा पाठ से दूर रखा जाता था, ये सब सारी चीज़ें थी। फिर मारुत देवता है। मारुत को वायु देवता कहा जाता है। ये मारुत वायु परिवाची है, पवन ये सब तमाम है। तो इनकी संख्या 2 बताई गई है। तो इनके बारे में बस जान लीजिए मारुत जो थे हवा के देवता थे। और फिर बृहस्पति जो देवता थे ये पृथ्वी के सबसे प्रमुख देवता हुआ करते थे। बस इतना इनके बारे में जानिए, ये किस चीज़ के कहाँ के देवता थे। तो आप ये जान लीजिए बृहस्पति जो थे पृथ्वी के सबसे प्रमुख देवता थे। और फिर उसके बाद सोम आता है। सोम रस उनका ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्रमुख पेय पदार्थ था। और सोम रस पेय पदार्थ होने के साथ साथ सोम रस को इन्होंने देवता भी मान लिया था। और ये सोम रस का प्रयोग जो है वो लोग औषधि और वनस्पतियों के रूप में किया करते थे। जैसे औषधि के रूप में भी किया करते थे, वनस्पति के रूप में ये था ही। और ये जो सोम रस है ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है, 10 मंडल का जो 9वां मंडल है मित्र, उसमें पूरा जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को ही समर्पित है। वो पूरा सोम देवता के लिए, जो 9वां मंडल है इन्हीं सोम देवता के लिए ही समर्पित है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मित्र, ये 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का जो है सोम देवता को समर्पित है, ये आप लोग याद रखिएगा। और फिर एक धव आते हैं। ये आर्यों के सबसे प्राचीन देवता थे। और ये इनको आर्य लोग जो थे इनको पिता तुल्य मानते थे ये धव को। और देवता के साथ साथ इनके ऋग्वैदिक समाज में कुछ देवियां थी मित्र। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी देवियां थी। तो इनकी जो प्रमुख देवियां थी हम उनको आपको बता रहे हैं। तो ये उषा थी। उषा देवी थी जो ये प्रातःकाल जब सूर्य चमकने वाला होता है उसी टाइम जो होता है ये प्रातःकाल की देवी इनको कहा जाता है, सूर्य चमकने से पहले। और सविता थी। जब सूर्य चमकने लगता था तो उसे जो जब सूर्य ऐसे चमकने लगता था सुबह सुबह मॉर्निंग में लालिमा जब वो दिखती है तो उसी समय जो है उसे सविता कहा जाता है। तो वो सविता देवता कहा जाता है। और ऋग्वेद में जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो इन्हीं को समर्पित है, सविता को ही। सविता ही को ये ऋग्वेद का गायत्री मंत्र इन्हीं सविता को ही समर्पित था। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो ऋग्वेद का गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है। तो आप जान लीजिए कि ये सविता को समर्पित है। और फिर उसके बाद सरस्वती। सरस्वती को तो आप लोग जानते हैं, ये ज्ञान की देवी। आज भी हम लोग तमाम पूजा करते हैं इनकी, सारी चीज़ों का लगभग पूजा हम लोग करते हैं, बस नाम बदल गए हैं। अदिति जो होती थी ये सर्वशक्तिमान और सार्वभौम प्राकृतिक की देवी होती थी। ये भी प्रकृति की ही देवी थी। ये देवी थी अदिति, ये भी प्रकृति की ही देवी थी। और अरण्यानी जो थी ये जंगल की देवी थी। ये अरण्यानी जो थी, अरण्यक माने जंगल होता ही, तो अरण्यानी मतलब जंगल की देवी।
और पृथ्वी, पृथ्वी आज भी पृथ्वी की पूजा होती है, पृथ्वी हमारी माता है, पृथ्वी हमारी जननी है। तो ये धारा मतलब पृथ्वी, ये पृथ्वी का प्रतिरूप थी, इनको जो है ये सारी देवियाँ हो गई, ये सारे देवता हो गए, और ये सारी इन्हीं सब चीज़ों की पूजा होती थी जितना हमने आपको बताया है। या आप एक बार आप शॉर्ट स्क्रीन लिख लीजिए, ले लीजिए, और इसको पॉइंट टू पॉइंट अपनी कॉपी में एक नोट्स बनाइए, उसको नोट कर लीजिएगा मित्र। इससे बाहर कहीं नहीं आना, आपको किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं अगर इन सारे नोट्स को अच्छे से आप पढ़ लेंगे। तो आइए एक बार हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। तो देखते हैं आर्यों का जीवन जो था मित्र वो कबायली था, और ये जो थे प्रकृति शक्तियों का पूजा करते थे, इनका जो जीवन था कबायली था और ये प्रतीक शक्ति। और यास्कराचार्य जो ऋग्वेद के एक महर्षि थे, इन्होंने ऋग्वेद की देवताओं की संख्या 33 बताई, ये इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में पूछा ऋग्वेद की देवताओं की संख्या कितनी है, तो ये 33 आप याद कर लीजिए। और इन्होंने तीन भागों में बांट दिया है, तीन भागों में बांट दिया देवता को। एक आकाश के देवता, आकाश के देवता में मित्र सूर्य हो गए, उषा हो गई, सविता हो गई, अदिति हो गई, ये सारी चीज़ें जो थी आकाश की देवी देवताएँ थे। और अंतरिक्ष के देवताओं में सबसे प्रमुख जो इंद्र थे, मारुत, वरुण और मित्र। और इंद्र को जैसा कि हमने आपको बताया कि ऋग्वेद कालीन के सबसे प्रमुख देवता थे। और फिर पृथ्वी की देवता में पृथ्वी हो गई, नदी हो गई, पहाड़ हो गई, अग्नि हो गई, सोम हो गया, जंगल हो, ये लोग सारी प्रकृति वाली चीज़ों की पूजा पाठ करते। जैसे आज भी हम लोग नदी की पूजा करते हैं, गंगा नदी की पूजा करते हैं, तमाम नदियों की पूजा, सर नदियों की भी पूजा की जाती है, पृथ्वी की पूजा होती ही है, जंगल, सारी चीज़ें होती हैं। तो इनमें जो प्रमुख देवता इंद्र हैं, इंद्र को जो है प्रमुख देवता माना जाता है। इंद्र को जो है पुरंदर कहा जाता है, पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला कहा जाता है। इनको युद्ध का भी देवता कहा जाता है, वर्षा का देवता भी कहा जाता है, और झंझावात का भी देवता कहा जाता है। और ये सोमरस का अधिक पान करने के कारण इनको सोमापा भी कहा जाता था। और अब देखते हैं इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में हमें 250 बार मिलता है। उसी प्रकार अग्नि देवता इनके दूसरे प्रमुख देवता हैं, इनका उल्लेख ऋग्वेद में हमें 300 बार मिलता है। यह मानव और देवताओं के बीच जो मध्यस्थता थे वो कराते थे। इनको सबसे बड़ा पुरोहित और अतिथि माना गया है, इनको सबसे बड़ा पुरोहित और अतिथि माना गया है। अग्नि देवता को कुछ नाम हैं जिससे जात वेदस ये चल चल के ज्ञाता थे, भुवन चसु जो है ये संसार की आँख इनको कहा जाता है, हिरण दंत सुनहले दांतों वाला भी कहा जाता है, और पथकृत मतलब मार्ग के निर्माता भी इनको कहा जाता है। फिर उसी प्रकार इनके तीसरे प्रमुख जो देवता थे वो थे वरुण। वरुण का उल्लेख ऋग्वेद में 30 बार मिलता है, ये याद कर लीजिएगा। आपको इंद्र का 250 बार, अग्नि का 300 बार और वरुण का 30 बार। इनको जल का देवता कहा जाता था, ये पापियों को पाप से मुक्ति दिलाने वाले देवता थे, और ये नैतिक नियमों के देवता थे, ये नैतिक नियम जो होते थे उसके देवता थे। इनके लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है वो ऋतस्य गोपा है, ये वरुण के लिए प्रयोग होता है ऋतस्य गोपा, और ये अग्नि जो है नैतिकता के संरक्षण के रूप में इनको माना जाता है। और इनको ईरानी देवता एक है, ईरानी देवता आहुर मजदा नाम से भी जाना जाता है। ईरान के भी लोग वरुण देवता की पूजा करते थे, लेकिन उनका नाम जो था आहुर मजदा मिलता है। वरुण और मित्र को सहस्त्र स्तंभों वाला भी कहा गया है, मतलब 1000 स्तंभों वाले भवन में ये निवास करते थे वरुण और मित्र। अश्वनी जो थे ये आर्यों के चिकित्सक देवता थे, इनकी सवारी जो थी गधा थी। अब पूषण जो थे इनके वनस्पति के देवता थे और औषधियों के देवता थे ये, और पशुओं के भी देवता और शूद्रों के देवता, ये इम्पॉर्टेंट, पशु और शूद्रों के देवता ये थे। और ये फिर उसके बाद अगले देवता जो आते हैं वो मारुत आते हैं। मारुत जो थे वायु के देवता थे, इनकी संख्या 21 बताई गई है। फिर उसके बाद पृथ्वी आते हैं जो बृहस्पति हैं, बृहस्पति जो हैं पृथ्वी के सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं। और सोम जो होता था उनका पेय पदार्थ, ये वनस्पति और अधिपति के देवता माने जाते थे, इनको जो है वनस्पति और अधिपति के देवता माना गया।
और ऋग्वेद का जो नौवां मंडल है इन्हीं को समर्पित है, सोम देवता को ही समर्पित है। धव जो थे आर्यों को सबसे प्राचीन देवता थे और इनको जो है ये पिता तुल्य समझते थे धव को। और फिर कुछ देवियां प्रमुख हैं, जैसे उषा जो है ये प्रातः काल की देवी हैं, जब सूर्य चमकने वाला होता है जो लालिमा दिखाई देती उसी को उषा कहा जाता है, और जब सूर्य चमकने लगता है उस समय जो कहा जाता है उनको सविता कहा जाता है, ये भी सविता देवी हैं। और सविता का जो गायत्री ऋग्वेद का जो गायत्री मंत्र है ये मित्र जो है इन्हीं को समर्पित है। सुबह सुबह जो गायत्री मंत्र हम लोग पढ़ते हैं पूजा पाठ के लिए इन्हीं को मतलब इन्हीं के लिए ही, सविता देवी के लिए ही गायत्री मंत्र हम लोग पढ़ते हैं। सरस्वती को आपको पता ही है ज्ञान की देवी है, और अदिति जो थी ये सर्वशक्तिमान थी, ये सार्वभौम थी, ये भी प्रकृति की देवी थी। अरयानी जो थी ये जंगल की देवी थी, और पृथ्वी जो है ये धारा मतलब धारा पृथ्वी उसी की देवी थी। तो ये मित्र ऋग्वेद का धार्मिक जीवन रहा। उम्मीद है कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, आपने नोट भी किया होगा। हम बार बार आपको कहते हैं आप नोट्स बनाइए, वो नोट्स आप बनाते रहेंगे तो आपको कहीं से परीक्षा के समय यही राम बाण सिद्ध होगा, फिर आप परीक्षा के समय किताब नहीं खोल पाएंगे, इसी नोट्स को फटाफट देख के जाएंगे तो आपको काफ़ी 100% यही नोट्स का फ़ायदा मिलेगा। किताब पढ़िए, किताब पढ़ने में वो नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर किताब से होता है, लेकिन जो पॉइंट टू पॉइंट परीक्षाओं के लिए वो चीज़ें जो है यहाँ इस नोट्स से आपको मिल जाएंगे। तो आप मित्र नोट्स बनाते रहिए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल से जुड़िए। यूथ सक्सेस प्रयागराज आपको फ्री में दिया जा रहा है, बस आपसे बस इतना ही लिया जा रहा है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो भी समझ में ना उसको कमेंट करें। तो मित्र अब हम अपने क्लास को यहीं विराम करते हैं, और जैसा कि ऋग्वेद का जो सामाजिक आर्थिक धार्मिक जीवन ख़त्म हो गया है, अब इसके बाद जो हम उत्तर वैदिक काल में देखेंगे उनके जीवन क्या थे, कैसे थे, ये सारी चीज़ें। तो हम अब इसी से आपको विदा यहीं से आपसे विदा लेते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। आप लोग अपना ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।